हेलो, मैं देवा बात कर रहा हूँ। भाई क्या बात है, तुम दो तीन दिन से आए नहीं, तुम यहाँ नहीं आ रहे हो क्या? यहाँ सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, कब आओगे? मैं बाद में बताता हूँ, माँ को कुछ भी बोलकर संभाल लेना, मैं जल्दी आ जाऊंगा, ठीक है? मुझे पसंद नहीं करता है, मैं अच्छी तरह समझता हूं तुम मुझे दुश्मन समझते हो, लेकिन मैं वो बिल्कुल नहीं हूं, तुम्हारा दोस्त हूं। 3 साल पहले तुम पेपर करेक्शन करने के लिए ट्रिची आए थे, वहां मैं ऐसी था। बुराई के खिलाफ लड़ना यही तुम्हारा गुण है, इसलिए मैंने सारे क्रिमिनल्स को तुमसे मिलवा दिया। आज जो तुम इस हालत में हो इसका कारण मैं हूं, मुझे माफ कर देना। तुम क्या हुआ? इस दत्त के साथ तुम डबल गेम खेल रहे हो, हड्डी तुम हमारी खाते हो और पूछ देवा के लिए हिलाते हो। सुनो दोस्त, मैं अच्छी तरह जानता हूं तुमने लोगों का भला करने के लिए उतार लिया है। डोंट स्टॉप, एक अच्छा काम करने के लिए हमारा नाम खराब हो तो भी हमें परवाह नहीं। डोंट स्टॉप, तुम्हें जो भी अच्छा लगे वही करो, तुम किसी भी कारण अपना काम मत रुकना। डोंट स्टॉप, उस नारायण दत्त को। कहाँ है नारायण दत्त? अरे, तुमको अपनी मां जिंदा चाहिए या नहीं? अभी बॉम्ब फटने वाला है, अभी जन विसर्जन के लिए गणपति जा रहा है ना, उसमें बॉम्ब फटने वाला है। विसर्जन में जा रहे लोगों में तुम्हारी मां भी है ना? अरे आश्रम का गणपति है और उस गणपति की मूर्ति में बम रखा है। वहां सिर्फ तुम्हारी मां ही नहीं मरेगी, वहां बहुत सारे लोग मरेंगे बॉम्ब फटने से। कानून व्यवस्था सही नहीं है ये बोलकर हम इस सरकार को हटा दूंगा और फिर बनूंगा सीए। अगर तुम उन लोगों को बचा सकते हो तो जाओ और जाकर बचा लो। ओए, सब दरवाजा बंद कर दो। Thank you.
सनी भैया, भाई भैया माँ खबर है, ये तुम्हारे हाथ पर खून कैसा? वो छोड़ो, मेरी बात ध्यान से बोलो। भाई क्या हुआ? यहाँ पर किसी ने बॉम्ब प्लांट किया है, बताओ हम लोग क्या कर सकते हैं? अच्छा, हम माइक पर अनाउंसमेंट कर देते हैं, सभी लोग यहाँ नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, भीड़ में भगदड़ मच जाएगी और कई लोग मर सकते हैं। तुम मुझे ये बताओ कि अपना गणपति कहाँ है, मुझे जल्दी वहां पर पहुंचना है। बेटा खून निकल रहा है। इस भीड़ में लोगों को मारने के लिए आश्रम के गणपति में बॉम्ब लगाया था। बॉम्ब? घबराने की जरूरत नहीं, उसे मैंने डिफ्यूज कर दिया है। किसने रखा वो? आजा, आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, आज हम दोनों में से कोई एक ही बचेगा। देवा इसे छोड़ना मत, इतने लोगों की जान लेनी चाहिए, इसने इसे जिंदा मत छोड़ना। आज माँ कहती है तुझे, जा मार दे उसे। ऊपर वाला हमेशा ही सही इंसाफ करता है।